या इलाही बख्श दे सैयद को रोजे हश्र तो। भाई मुंबई से हैं, इनका सवाल ये है कि आला हजरत के शेर को बदल कर उसमें लफ्ज़ वहाबी की जगह कुछ और पढ़ना कैसा है। दूसरा ये कि दावत इस्लामी ने जो मलफूजात के अंदर वहाबियों से मुतालिक इबारत जो है वो या पैराग्राफ जो है वो निकाल दिया, उसके बारे में पूछा है कि क्या इसकी असल है। मुंबई से हैं, आला हज़रत के मुतालिक शेर को बदल कर, यानी आला हज़रत के बारे में सवाल है कि उनके शेर में बदल कर वहाबी लफ्ज़ के बदले कोई दूसरा अल्फाज पढ़ना या फिर वहाबियों से मुतालिक पैराग्राफ या कोई ऐसी चीज़ जो वहाबियों से मुतालिक सवाल जवाब हो उसका निकाल देने के बारे में दावत इस्लामी की क्या हकीकत है। तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के शेर में लफ्ज़ वहाबी की जगह कुछ और पढ़ना, तो अब इसमें दोनों चीज़ें हो सकती हैं। एक तो आपने मेरी पर्सनल राय पूछी है, दूसरा शरई एतबार से इसका क्या हुक्म होना चाहिए। और अभी इसके मुतालिक लोगों की जो मैंने ऑडियो क्लिप सुनी और लोगों ने बताया तो बाज़ उलमा ने जो है वो उसमें अपनी पर्सनल राय बयान कर दी, लेकिन शरीयत का हुक्म बयान नहीं किया कि कोई ऐसा शख्स करता है तो वो किस दर्जे का मुजरिम होगा अगर कोई आला हज़रत के शेर में लफ्ज़ वहाबी ना पढ़े। पर्सनल राय क्या बयान करना, असल में ये कि कहीं पे दावत इस्लामी की कोई ऐसी चीज़ मिल जाए कि जहां हम अपना उस पर बुग्ज़ निकाल सकें दिल खोल कर, तो एक बात है कि जहां हिकमत के साथ क्या दरमियाना रवि के साथ भी जवाब दिया जा सकता है तो लोग वहां पर भी जो है वो जवाब में ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। और ऐसे ऐसे अल्फाज या ऐसी ऐसी बातें कि जो कहने की नहीं होती, मगर ये कि मामला दावत इस्लामी का है तो रियायत नाम की चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो इसीलिए वो हद से ज़्यादा गुलू कर कर अपनी शिद्दत उस जवाब के अंदर देते हैं, या फिर ये कहें कि अपनी राय में शिद्दत बयान करते हैं और शरीयत का हुक्म उस पर बयान नहीं करते। तो जवाब जो है बिना चीखे चिल्लाए भी दिया जा सकता है, या किसी को बिना टारगेट किए, या फिर टारगेट करना भी है तो एहसन अंदाज के अंदर उसको उसका नाम लेकर दिया जा सकता है। लेकिन क्योंकि एक पर्सनली मामला होता है दावत इस्लामी के साथ बाद लोगों को, कि इसीलिए वो थोड़ा ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करते हैं, जहाँ ज़रूरत नहीं होती वहाँ भी दिखाने के अपने फ़न को कोशिश करते हैं कि जो गैरों पे दिखाते हैं वही अपनों पे दिखाते हैं उस तरीके से। आला हज़रत के शेर को बदल के लफ्ज़ वहाँ भी निकाल कर पढ़ देना, इसमें सबसे पहले मेरी ज़ाती राय ये है कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क़ो मोहब्बत अशाह इमाम अहमद रज़ा हिंदी बरकाती हनफी कादरी बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो कुछ लिखा है और जिस अंदाज़ में लिखा है, अगरचे शायरी में हो या फिर ये के फतावा की शक्ल में हो, उसको हूबहू नकल करना चाहिए और उसको हूबहू पढ़ना चाहिए। लिहाजा उसके शेर में बदल कर लफ्ज़ वहाबी कर देना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। यानी जैसा आला हज़रत ने शेर लिखा है बिल्कुल वही होना चाहिए। किसी भी शख्स को उस शेर को बदलना या वहाँ वहाँ भी निकाल कर दूसरा कोई मुनाफिक लफ्ज़ या फिर कोई बद मज़हब लफ्ज़ वगैरह ऐड कर देना, ये ठीक नहीं है। यानी मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई करता है तो वो उसकी पर्सनल ख्याल है, उसका पर्सनल राय है कि वो क्यों करता है, किस बिना पर करता है, उसका क्या मामला है करने का, वो जाने। लेकिन मेरा पर्सनल ख्याल है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आला हज़रत ने जो शेर लिखे हैं वो बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। और आला हज़रत अज़ीमुल बरकत की शायरी का तो ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया ही उनकी पसंदीदा शायरी को पसंद करती है या ये कहें कि फ़ैन है, लेकिन उन्हीं लोगों के अंदर मैं भी एक अदना सा शख्स हूँ कि जो आला हज़रत की शायरी को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो मुझे तो ज़ाती तौर से ये चीज़ पसंद नहीं आती कि अगर कोई भी शख्स हो कि वह आला हज़रत के शेर की तशरी के अंदर या तशरी करे या फिर कोई ऐसा मामला करे कि उनके लफ्ज़ों को बदल दे। मुझे पर्सनली तौर से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि कोई आला हज़रत के शेर को बदले। बिल्कुल शेर वैसे ही पढ़ना चाहिए कि जैसा लिखा है, कहीं वहाँ भी लिखा है तो वहाँ भी पढ़े, मुनाफिक लिखा है तो मुनाफिक पढ़े, अगर कहीं और देवबंदी लिखा है तो वो देवबंदी ही पढ़े, यानी शेर को शेर की बिना पर पढ़े। बल्कि मैं ज़ाती राय बताऊँ तो मुझे उबैद अल्लाह कादरी साहब जब शेर के बीच में कलाम पढ़ते हुए तशरी करते हैं ना, मुझे वो भी पसंद नहीं आता। तशरी पसंद आती है, लेकिन जब शेर चल रहे होते हैं, कलाम चल रहा होता है, उसके बीच में रुक जाना, फिर लोगों को समझाना, मतलब ये बड़ा इरिटेटिंग होता है मेरे लिए। तो मैं तो जब नात वगैरह कोई ऐसी होती है तो उसको तशरी को बीच में से हटा देता हूँ, क्योंकि आला हज़रत का शेर समझ आए ना आए लेकिन वो फ़्लो में चलना चाहिए, उसके बीच में रुकावट
बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती मुझे। बीच में शेर चल रहा होता है फ्लो के साथ और मज़ा आ रहा होता है सुनने में, फिर बीच में उसकी तशरीह कर दी जाती है रोक के, लोगों के समझाने के लिए होता है, लेकिन मुझे पर्सनली वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। मतलब एक माहौल ख़त्म हो जाता है अंदर का, के जो सुनने का माहौल होता है वो ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए नहीं करना चाहिए। बाकी अगर कोई शख्स ऐसा करता है कि भाई किसी ने लफ्ज़ वहाँ भी नहीं पढ़ा, उसके बदले कुछ और पढ़ दिया, तो सबसे पहले अगर उस बंदे तक रसाई हो या उनसे पूछने का मामला हो, तो ज़ाहिर है कि मुसलमान के कलाम में तावील की जाएगी, और जब तक कि वो खुद ज़िंदा है तो वो खुद बता देगा कि भाई मैंने ऐसा क्यों करा या क्या हिकमत है कि मैंने नहीं पढ़ा। ज़ाहिर है कि हम जितना सोचते हैं, कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि अल्लाह ताला ने सारा इल्म व हिकमत हमारे सीने में उतार दिया कि हम जो सोचते हैं वो सही है या हम जो समझ रहे हैं वो सही है। हो सकता है कि कुछ, यानी 1% भी अगर गुंजाइश है कि क्या बात है कि अगर कोई लफ्ज़ वहाँ भी ना पढ़ के कुछ पढ़ कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि शरीयत में गुंजाइश निकल नहीं सकती, शरीयत में बहुत गुंजाइश निकल सकती है। लिहाजा अगर कोई शख्स पढ़ता है पर्सनली कि आला हज़रत का कलाम के अंदर लफ्ज़ वहाबी के बदले कुछ और पढ़ता है, वैसे नजदी तो पढ़ते हैं दावत इस्लामी के अंदर लेकिन लफ्ज़ वहाबी नहीं पढ़ते, तो इस एतबार से पूछ लेना चाहिए कि ऐसी क्या वजह है, क्या पता कोई हिकमत ऐसी आपके सामने आ जाए। लेकिन फिर भी अगर कोई पर्सनली पढ़ता है, मान लीजिए कोई हिकमत नहीं है, अब शरई जवाब इसके लिए क्या होगा, तो ये भी उलमा को बयान करना चाहिए कि लफ्ज़ वहाबी कोई निकाल के उसको बदल दे, मुनाफिक पढ़ दे, तो वो किस जुर्म का मुर्तकिब होगा, यानी उसने कैसा जुर्म कर दिया, क्या वो अहले सुन्नत से खारिज होगा या वो काफिर होगा, फासिक होगा, किस दर्जे का वो जुर्म के अंदर आएगा, ये भी बयान करना चाहिए। तो अगर कोई लफ्ज़ वहाबी निकाल कर मुनाफिक पड़ेगा तो ज़ाहिर है कोई हराम तो नहीं है, गुनाह तो नहीं है, अगरचे सही भी नहीं है, लेकिन ये कि सही नहीं है कि आड़ में उसके ऊपर बहुतान तो नहीं लगाया जा सकता कि सही नहीं है, हमें पसंद नहीं आया लिहाजा फलां को अब गालियां बकना शुरू कर दो, तो ये तो हद से ज़्यादा बढ़ जाने वाली बात है। अगर जब मैं तो खुद ये कहता हूँ कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुझे खुद भी ज़ाती तौर से अच्छा नहीं लगता कि आला हज़रत का कलाम और उसमें कोई लफ्ज़ों को बदल दे, लेकिन जिसने बदला है अब उसकी अपना मर्ज़ी, उसकी अपना इश्क है, उसकी अपनी राय होगी, उसके सोचने का उसका अपना नज़रिया भी हो सकता है। ज़ाहिर है कि सब हम अपने किसी के मुँह में अपने अल्फाज डाल के तो नहीं बुलवा सकते, या किसी के दिल में हम मोहब्बत तो नहीं उतार सकते किसी की कि हम जैसा चाहें वो आला हज़रत से वैसा इश्क रखें, सबका अंदाज अलग होता है। और इस तरीके की हिकमत से मुतालिक जो है हमारे बुजुर्गाने दीन में सैकड़ों वाक़यात में बयान कर सकता हूँ कि जो दिखने में अदब के ख़िलाफ़ जाकर मामलात किए गए होते हैं, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है कि वो क्यों किए गए होते हैं। बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जो देखने में बज़ाहिर ख़िलाफ़ शरा होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उसके पीछे हिकमत होती है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़िया ही ले लें, कश्ती में छेद करने वाला या फिर ये कि दीवार को गिरा देने वाला, तो दिखने में बज़ाहिर वो भी ठीक नहीं होते। तो इसीलिए अगर पढ़ते हैं तो पहली बात तो उनसे मालूम करना चाहिए कि बंदे हयात है, तो उनसे पूछे कि भाई क्यों है, क्योंकि जब मामले क्लियर हो जाएगा तो बात ही ख़त्म, बहुतान लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। दूसरा, अगर कोई भी शख्स करता है तो ज़ाहिर है ना तो वो गुनाह का मुर्तकिब है, ना तो वो हराम का मुर्तकिब है, ना कोई ऐसा शिर्क या अहले सुन्नत से खारिज है, उसकी अपनी राय करना चाहता है करे, हमें पसंद नहीं और हम करेंगे भी नहीं इंशाल्लाह। जो आला हज़रत का शेर है हम उसको वैसा ही पढ़ेंगे, कोई नहीं पढ़ता, उसका पर्सनल मामला। तो ये दोनों बातें हैं, यानी हुक्म भी है और इसके अंदर मेरी पर्सनल राय भी है। अब रहा ये कि किताब के अंदर कर देना, के बाज़ लोग बताते हैं कि मलफूजात किताब के अंदर आला हज़रत अज़ीमुल बरकत की वहाबी से मुतालिक इबारत जो है वो निकाल दी गई, और उस पर एक अल्लामा साहब की क्लिप भी लोगों ने मेरे को भेजी थी कि अगर तुम जवाब नहीं दे सकते और भी कुछ अजीब व गरीब से अल्फाज दे तो तुम हमें बताओ, उलमा से मदद लो, उलमा जवाब देंगे, इबारत निकाल क्यों दी। पहली बात तो ये है कि टेक्नोलॉजी के मामले में जिन लोगों को अहले इल्म ही क्यों ना हो, डीपली जब नॉलेज नहीं होती तो वो लोगों के ज़रिए भेजे गए स्क्रीनशॉट को अपनी तहकीक या रिसर्च समझने लगते हैं, वो लोगों में फिर बयान करते हैं कि हमारे पास इसका सबूत है, हमने इसकी तहकीक की या रिसर्च की कि ऐसा ऐसा है। हालांकि तहकीक रिसर्च उन लोगों ने नहीं की होती, सिर्फ व्हाट्सएप पे आए हुए एक स्क्रीनशॉट के बिना पर सारे मामलात कर दिए गए होते हैं, उसका नाम तहकीक दे दिया गया होता है। तो ऐसा भी नहीं है, आला हज़रत की किताब के अंदर 2000 गालिबन 8 या 10 के आसपास के एडिशन में अल मलफूज के अंदर से कुछ इबारतें गायब थी, और वो भी सिर्फ़ एक एडिशन में,
और जिसके अंदर रद्द वहाबियत से मुतालिक सवाल और उसी एडिशन के अंदर कुछ और इबारतें जो है वो मिस थी। लोगों ने उस इबारत का स्क्रीनशॉट लेकर और पुरानी मलफूजात में मैच करके लोगों के सामने पेश कर दिया कि देखो दावत इस्लामी ने रद्द वहाबियत वाला सवाल निकाल दिया और बाद में दूसरी किताब में वो है। हालांकि उसी अल मलफूज के अंदर बाद वाले एडिशन और पहले वाले एडिशन के अंदर वो इबारत वो पैराग्राफ मौजूद था, लिहाजा वो एक प्रिंटिंग प्रेस की मिस्टेक से हुई। दूसरी बात यह है कि दावत इस्लामी वाले मुबल्लिग किताब सारे नहीं लिखते और ना ही प्रिंटिंग प्रेस सारे मुबल्लिग चलाते। अगर कोई आलिम किताब लिख के दे और वो प्रेस में जाए और प्रेस के अंदर कोई पैराग्राफ मिस हो जाए, कंप्यूटर में सेट करते वक्त कोई डिलीट हो जाए गलती से और वो ऐसी प्रिंट हो जाए, तो इसका जो है वो जुर्म जो है वो राइटर के ऊपर या मुसन्निफ़ के ऊपर नहीं आता। तो इसीलिए दावत इस्लामी की जो मलफूजात थी वो एक ईयर तो ज़रूर था कि 8 या 10 के अंदर एक पैराग्राफ उसमें से गायब था, लेकिन जब उनको इस चीज़ से आगाही दिलाई गई कि भाई इसके अंदर ये पैराग्राफ या और सफ़े पर भी ये चीज़ें यहाँ पे मिस हो गई इस वाले एडिशन में, तो उन्होंने बाकायदा मेरे सुनने में आया है कि उन्होंने माफ़ी वगैरह भी उसमें मांगी है, माजरत तलब की है, और फिर नेक्स्ट ईयर उस एडिशन को जो जो गलतियाँ थी प्रूफ रीडिंग की या जो अल्फाजों की थी उनको दुरुस्त करके वापस शाया कर दिया गया। तो इसमें ऐसा हंगामा काट देना कि जवाब नहीं दे सकते तो हमें बता दें या दावत इस्लामी ने उड़ा दिया, अगर दावत इस्लामी वाले रद्द वहाबियत का पैराग्राफ को मिटाते तो सिर्फ एक साल के एडिशन में एक ही किताब में मिटाते, यानी अकल भी तो कुछ चीज़ है कि जिसको थोड़ा इस्तेमाल कर लिया जाए। उसी बहारे शरीयत के अंदर दावत इस्लामी ने रद्द वहाबियत या रद्द बातिल फ़िरकों के बारे में जब लिखा है तो बाकायदा किताब के स्क्रीन शॉट लगा कर लिखा है, वहाबियों के किताब के स्क्रीन शॉट लगा कर लिखा है। तो वहाबियों के मलफूजात के अंदर सवाल निकाल दिया और दूसरी किताबों के अंदर उनके स्क्रीनशॉट लगा दिए, तो क्या ये रद्द वहाबियत से भागने वाली बात है? यानी ये कैसी बात है कि एक तरफ निकाल देंगे दूसरी तरफ पूरा प्रूफ भी देंगे? तो जाहिर है कि ये किताबत की गलती है, और ये किताबत की गलती कोई दावत इस्लामी की किताब में पहली बार आई है? आज से पहले दरस निज़ामी के अंदर नहीं है किताबों के अंदर मिस्टेक है, अरबी किताबों के अंदर इबारतों की मिस्टेक नहीं है, या आज जो छपती हैं उसके अंदर कहीं पे एरर या पैराग्राफ का निकल जाना या लाइन का कमोबेश हो जाना कोई जवाब के अंदर, तो क्या वो गलतियाँ आज पाई नहीं जाती किताबों के अंदर? किस मकतब फ़िक्र की किताबों में गलतियाँ नहीं होती या किस प्रिंटिंग प्रेस में नहीं होती? तो ये तो सब में होती है। तो इसके लिए इसका राय का पहाड़ बना देना, यानी होता कुछ है उसको बना दिया लोगों में कुछ जाता है, तो ऐसा नहीं है। वो एक प्रेस की गलती थी, यानी प्रिंटिंग प्रेस की गलती थी कि वो पैराग्राफ निकला, राइटर की गलती नहीं थी, ना ही किताब को जो है उन्होंने जिन्होंने वापस उसको टाइप किया उनकी भी गलती नहीं थी, पूरा का पूरा किताब टाइप किया गया, प्रिंटिंग प्रेस में जाके पैराग्राफ एक साल वाले एडिशन में 2008 या 2010 के गालिबन उसमें निकल गया, बाकी सही करके नेक्स्ट ईयर जब छपी वो फिर दोबारा आ गया। तो उसके लिए इतना शोर मचाने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, आपको चाहिए था कि और साल के एडिशन ले लेते, उससे मैच कर लेते, उसको कहते हैं तहकीक या प्रूफ होना कि भाई हम पे सबूत है, सारे सालों के एडिशन के अंदर वो इबारत नहीं है, तब तो माना जा सकता था, लेकिन एक साल में सिर्फ जो है वो नहीं है। दूसरी बात ये दावत इस्लामी का एक अलग से शोबा है किताब का, और इसी तरह मुतरजिम का भी एक अलग से शोबा है कि जो ट्रांसलेट करता है, तो ये काम फ़कत उनका होता है, यानी दावत इस्लामी का एक अलग से ग्रोह है जो किताबें लिखता है, उलमा की एक टीम है जो किताबें लिखती है, बाकी दावत इस्लामी मुबल्लिग का उनसे कोई लेना देना नहीं, उनको पता भी नहीं होता कि वो लोग क्या लिख रहे हैं, कब लिख रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, उनको पता नहीं होता, ये एक अलग शोबा है। तो अगर कोई गलती पाई जाती है किताबत में, लिखने में, तहरीर में, या फिर कोई ऐसी इबारत के अंदर कमोबेशी होती है, तो वो सिर्फ़ उस शोबे की ज़िम्मेदारी होगी और उस शोबे को टारगेट किया जा सकता है। अब जाहिर है कि वो शोबा किताबें लिख कर सारे मुबल्लिगों से तो चेक नहीं कराता कि भाई सब ने पढ़ लिया, उनके अमीर ने भी पढ़ लिया, सारे मुबल्लिगों ने पढ़ लिया, फिर भी इन्होंने गलती छाप दी, जो सबको टारगेट किया जाए, तो ये तो मुबालगा करने वाली बात है कि दावत इस्लामी वालों ने ऐसा करा वैसा करा, वो तो एक अलग से शोबा, उनकी गलती हो सकती है, प्रिंटिंग प्रेस उनकी गलती हो सकती है, इसी तरह वो पहले भी वो किताबों के अंदर मिस्टेक आई और आज भी आती है, बल्कि ख़ुद मैंने फ़तावा रज़विया के अंदर कितनी मिस्टेक जो है आज से 5-6 साल पहले फ़तावा रज़विया और दूसरी किताबों हम खुद दावत इस्लामी को भेजी है और उनकी तरफ से बाकायदा मेल भी आता है, कई बार स्क्रीनशॉट दिए भाई किताब के अंदर ये गलती है या इस किताब के अंदर ये मसला गलत लिख दिया गया है, तो उनको मेल कर रिप्लाई आता है, उसको सही कर लेते हैं। तो अगर आपके सामने कोई ऐसी बात आती है तो ट्राई करके देखो, एक दफ़ा मेल कर दो कि भाई किताब में गलती है, और हो सकता है इंशाल्लाह आपको भी सवाब जारिया होगा आपका, अगर कोई मसला या कोई गलती सही होकर आएगी तो कौम के लिए फ़ायदा होगा।
तो ये कि कोई चीज़ हाथ में आ जाए दावत इस्लामी की तो बस उस पर चीखना चिल्लाना और बाकी उससे मुतालिक पूरी तहकीक होती नहीं है। तो दोनों बातें मैंने बयान कर दी कि वो किताबत में एक साल की मिस्टेक थी, बाद में उसको छाप दिया गया। लफ्ज़ वहाबी भी अलमलफूजात में मौजूद है और बीच में वहाबी से मुतालिक सवाल भी मौजूद है। अब बाद लोग ये समझते हैं कि कंप्यूटर से हो सकता है, तो जाहिर है कि कंप्यूटर से भी हो सकता है, यानी किताब के अंदर किसी पैराग्राफ को निकालना और निकाल कर सेट कर देना कि बीच में से कोई सवाल गायब कर दें। आजकल टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर के दौर में ये बहुत आसान है, ये तो इतना आसान है कि अब मैं इसको उल्टे हाथ से जो है ना किसी भी किताब की इबारत को निकाल के नेट पर आसानी से डाल सकता हूँ। और उल्टे हाथ से करने का मतलब ये एक मुहावरा है कि काम मैं उल्टे हाथ से कर दूंगा, लेकिन मैं इसको यहाँ मुहावरतन इस्तेमाल नहीं कर रहा, हकीकतन इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मैं वाकई बिना सीधा हाथ लगाए सिर्फ उल्टे हाथ से किसी भी किताब की इबारत को कंप्यूटर से निकाल कर उसको नेट पे डाल दूंगा। और जाहिर है कि फिर आप लोग उसको देखोगे तो बीच में से इबारत गायब होगी, तो ये कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं होता। तो लोग ऐसा भी करते हैं कि किताब की इबारतों को बीच से निकाल कर बदमज़हब लोग जो है वो बयान करते हैं कि देखो वहाबियों की इबारत को निकाल दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो ये भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, पहले ये तहकीक करने ली चाहिए पेज देखकर कि भाई इसके अंदर कोई किसी ने छेड़छाड़ तो नहीं की, क्या पता आपस में लड़वाने की नीयत से किसी ने बीच में से दावत इस्लामी के हसद में इबारत निकाल दी हो और फिर उसको लोगों के सामने पेश कर दिया। क्योंकि ऐसे वाक्य अभी आ चुके हैं कि लोगों ने कंप्यूटर से बीच में से इबारत निकाल कर पेजों को व्हाट्सएप पे शेयर किया, लेकिन जब उसको मिलाया गया दूसरी किताब से उसी साल की, तो उसके अंदर वो इबारत मौजूद थी। क्या कहते हैं फिर उन लोगों को, वो तुम लोग मुनाफिक हो, मुनाफिक भी बला के, कि इबारतें बीच में से कंप्यूटर से हटा देना, फिर उन लोगों के सामने ला के दावत इस्लामी का रद्द करना या फितना फैलाना या लड़वाना। दूसरा ये कि इसके मुतालिक जब सवाल मैंने देखा ना लोगों के पास आता है दावत इस्लामी से मुतालिक, जज्बात में आके जुनून में आके जवाब देते हैं, क्योंकि दावत इस्लामी के बारे में जवाब आया है गोया के माज़ अल्लाह बदतरीन काफिरों के बारे में कोई सवाल आया है कि उसके बारे में, तो ऐसा खुल के बोलना, ऐसा बोलना लोगों के आगे, जहाँ लगे जवाब बड़ी नरमी के साथ प्यार से हो सकता है। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि जब एक बंदा कंटिन्यू किसी सुन्नी तंजीम के बारे में बार बार पूछ रहा है, तो क्या जवाब देने वाले को ये समझ नहीं आ रहा कि वो बंदा सिर्फ फितना ही चाह रहा है, उसको दूसरा काम नहीं है। कभी उससे भी तो मना कर दिया जाए कि भाई तेरे पर कुछ सीखने सिखाने का काम है या नहीं है, जब देखो दावत इस्लामी। इसी तरह बास जो है वो चौकीदार सिपाही खड़े हो गए, उनको भी कोई दूसरे काम धंधे नहीं है दावत इस्लामी को लेकर। अपने भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको बजाय मना करने के कि भाई दूसरे को सीखने सिखाने का काम है ये नहीं है, ये इतनी बड़ी बात नहीं है और इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन वो भी इसको मज़े लेकर जवाब देते हैं लोगों के अंदर, ताकि जिससे टाइटल या थंबनेल या इस तरीके के जिस मौजू के ऊपर हो तो उनके थोड़े अच्छे व्यू आ सके। हालांकि वो दावा भी लोग करते हैं कि हम व्यू के लिए ऐसा नहीं करते, लेकिन मामला सारा यही होता है कि ऐसी तंजीम पे के जहाँ अपने चार चाहने वालों की वाह वाह ली जा सके या अपने जैसी सोच रखने वालों की वाह वाह ली जा सके, तो उस तरीके की बाद में उसको वीडियो बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये से सवाल किसी के आपस में अहले सुन्नत में लड़ाने वाले सिर्फ एक ही शख्स के पास जाते हो, ऐसा नहीं है, ये सब के पास आते हैं। हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे उलमा के बारे में पर्सनली सवाल भी आते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि सारे सवालों की वीडियो बनाकर जो है ना वो नेट पर ही डाली जाए, जबकि वीडियो को हराम भी समझा जाए और यूट्यूब का कसरत के साथ इस्तेमाल भी किया जाए। तो उसके जवाब भी हम लोग मेल पे जो है ना पर्सनली भी दे देते हैं बंदों को, कि इसका जवाब ये है, लोग अपील भी करते हैं कि इस शख्सियत को लेकर वीडियो बनाओ, उन्होंने ऐसा करा, इन्होंने वैसा करा। लेकिन जहां महसूस होता है कि वीडियो बनाने से या इस मामले को निकालने से लोगों के अंदर फितने का बाइस हो सकता है, अब हो सकता है कि मेरी राय गलत हो, दूसरों की राय ज़्यादा अच्छी हो, उनको लगता हो कि नहीं जी वीडियो बनानी ही चाहिए, फितना होता है वो, लेकिन ज़रूरत है क्योंकि उनको इस्लाम में क्या फ़र्ज़ है, क्या फ़र्ज़ अजीम है, उनको ज़्यादा बेहतर आजकल मालूम है, तो हो सकता है उनको मालूम हो। तो ये सवाल लोग करने वाले हर तरीके के चाहने वाले, हर किसी के चाहने वाले होते हैं, जो एक दूसरे के पीरों के खिलाफ, उलमा के खिलाफ, कभी दाढ़ी को लेकर, कभी मसलक को लेकर, कभी दूसरी चीज़ों को लेकर पर्सनली तौर से पूछते रहते हैं। और जहां जवाब में महसूस होता है ना कि इसका जवाब वीडियो में देने में लोगों के अंदर बदगुमानी या फितने का बाइस होगा, और अभी दौर अहले सुन्नत का क्या, इस्लाम का ही बहुत नाजुक चल रहा है कि जिस तरीके का माहौल है, तो ऐसे में और फितना के अंदर बढ़ाने से ज़्यादा बेहतर है कि इसको पर्सनली जवाब दिया जाए। तो कोशिश करनी चाहिए कि उसको पर्सनली जवाब दें। बाकी जो फितना परवर लोग हैं जो सवाल पूछते हैं, जाहिर है कि उनको दूसरे कोई काम धंधे होते नहीं है, तो उनका असल मकसद ही ये होता है, क्योंकि एक दावत इस्लामी ऐसी है कि जिनका रद्द करना इस्लाम के अंदर सबसे अजीम फर्ज है, उसके अलावा कुछ बचा ही नहीं सिर्फ दावत इस्लामी के रद्द के अलावा, कि इससे सबसे बड़ा इस्लाम को खतरा है दावत इस्लामी से। अब कोई इस्लाम का किसी से खतरा ही नहीं बचा, अहले सुन्नत को किसी से खतरा ही नहीं बचा, सिर्फ एक दावत इस्लामी है। तो इसीलिए ये जो है ना मुजाहिदीन उतरे हुए हैं,
कमेंट्स के अंदर चैनल ले लेके अपने दावत इस्लामी के खिलाफ, क्योंकि ये अहले सुन्नत को बचाने के ठेकेदार हैं, इन्होंने ठेका उठाया अला हजरत के मसलक को बचाने का, अब ये जिम्मेदारी निभाएंगे कयामत तक दावत इस्लामी का रद्द करके। अब अपनी वेबसाइट ब्लॉक के लिए होस्टिंग खरीदें qadrihosting.com से और पाएं सबसे सस्ती SSD और क्लाउड वेब होस्टिंग, लाइट स्पीड और सी पैनल के साथ, और अपने बिजनेस या वेबसाइट के लिए .com.in जैसे डोमेन नेम खरीदें, वो भी कम प्राइस में। आज ही विजिट करें qadrihosting.com पर। कब से अपनी खताओं का शुमारा जाएगा।